हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑल टाइम क्लासेस सहारनपुर चैनल पर। तो स्टूडेंट, मैं संजीव तोमर एक बार फिर आपके लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक क्लास लेकर आया हूँ। आज की क्लास जो है दोस्तों, ये भी बहुत मज़ेदार होने वाली है। अगर देख लिया जाए तो अभी तक इससे पहले हम निश्चित समाकलन की 4 क्लास कर चुके हैं और ये आज की 5वीं क्लास है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की क्लास आपको पसंद आने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास का जो ये पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन 0 to π यहाँ पे दिया गया और एक्स डी एक्स यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, 1 + k cos स्क्वायर एक्स, और प्रूफ क्या करना आपको, पाई स्क्वायर अपॉन 2√2, ये प्रूफ करना है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में आई इक्वल ये वैल्यू लेट कर ली, ठीक है ना, ये वैल्यू हमने आई इक्वल टू लेट कर ली, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और आपने यहाँ पे जैसे ये, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। करना ये है और अप्लाई कर दिया आपने प्रॉपर्टी 4 बाई प्रॉपर्टी 4। तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करी जैसे ही, तो i इक्वल टू यहाँ पर लिख दोगे इंटीग्रेशन 0 to π, यहाँ पर क्या होगा, π - kx dx और अपॉन में रह जाएगा 1 + k cos स्क्वायर π - kx। चेंज होने के बाद क्या रह जाएगा, ये इंटीग्रेशन, ये तो पाई, ये तो एज इट इज रहेगा π - kx dx और 1 + cos x - θ cos ही होता है cos x, ठीक है ना। अच्छा, वो तो फर्स्ट थी, ये आपने सेकंड ऐड कर ली इक्वेशन, है ना, तो दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया आपने, कर क्या दिया आपने, ऐड कर दिया किसे, फर्स्ट और सेकंड को, आई थी दोनों साइड तो 2i मिला और यहाँ पर बचा क्या, पाई तो कॉमन आ जाएगा। अब आपके पास बस मात्र ये बचा dx/1 cos²x, ठीक है ना। अब यहाँ पर बस एक काम और करना है आपको, वो क्या था, 2i तो एज इट इज, यहाँ पर 2 से तो मल्टीप्लाई कर दी और 2 से कर दिया यहाँ पर डिवाइड, और dx = यहाँ पर क्या रहेगा, 1 + k cos²x, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो सब बात समझ आई होगी आपको। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये 2i तो एज इट इज आपका, सॉरी 2i = है ये 2π√0 to π/2, और यहाँ पर हमने sec स्क्वायर यानी cos स्क्वायर कॉमन लिया था, तो ये बचा आपकी वैल्यू बस, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आपने किया क्या यहाँ पर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी दोस्तों, कैसी वैल्यू रख दी, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, अब इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया आपने, और ये इंटीग्रेशन इतना हम समझ ही चुके हैं जिसमें आपको कोई समस्या ना हो, π/2 sec²x dx, यहाँ पर बचा आपका 2 + k tan²x, ठीक है ना, 2 + k tan², और यहाँ पर लेट भी कर लिया आपने, लेट कर लोगे किसे, लेट किया आपने, लेट किया टेन एक्स को, तो टेन एक्स को टी करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, sec²x dx = dt, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए, और लिमिट भी चेंज कर दीजिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये मिला क्या आपको, ये मिला आपको 2π √0 to π/2 और dt/, यहाँ पे क्या था, √2 + k t²।
अब जैसे वैल्यू रखी थी आपने, लिमिट चेंज कर देते हैं दोस्तों, ये भी ज़रूरी था। एक एक मिनट रुक जाओ, अगर लिमिट पुट करोगे 10 में तो 10 पावर बाय 2 90 की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, इनफाइनाइट हो गया आपका ये। और इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पे हमने, तो बस इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और आपका क्वेश्चन हो गया 0 to infinity। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, ये अब तो क्वेश्चन सॉल्व ही कर देते हैं। क्या होगा, 1/√10 inverse t/√2, और यहाँ पे क्या मिला, 0 to infinity, तो ये हो गया आपका 2π/√2। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, सारा मिल जाएगा t (10 inverse ∞ - k (10 inverse 0)। ठीक है ना, ये लिमिट आपने पुट कर दी यहाँ पे। इसके बाद इन्फिनिटी का तो आपको पता ही है कितना मिलेगा, क्या मिलने वाला है, 2π तो एज इट इज, √2 भी एज इट इज, और यहाँ पर रह जाएगा π/2। ठीक है ना, अब π/2 इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मिला क्या आपको, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा एक और गलती हुई यहाँ पर ना, क्या था हमारे पास, पाई ही थी, ज़रा एक मिनट, गलती से हो गया। तो यहाँ पे क्या था, पाई था ओनली आपके पास, है ना। इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे मिला π² / √2, और इधर से 2i के इक्वल चल रहा था ये, तो i इक्वल टू क्या रहा, इधर से 2 हटा दीजिए तो π² / √2, यही रिजल्ट फुल एंड फाइनल आपको निकालना था। तो ये रिजल्ट दोस्तों प्रूव हुआ। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, पर उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पर एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं दोस्तों हम। तो क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 0 to π, यहाँ पे है x sin x dx / 1+k cos²x। तो आपने वही y प्रॉपर्टी 4 और i इक्वल आपने लेट किया है ना, वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ही प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे, i = (0 to π π - kx), और यहाँ पर कितना रह जाएगा, sin π - kx dx, और बटे में कितना बचा, यहाँ पर बचा 1+cos²π - kx। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने किया क्या, अब वैल्यू इसकी सोल्व करके लिख दोगे आप। तो वैल्यू सोल्व करिए आपने, क्या मिला आपको, 0 से π, यहाँ पे π - kx sin x, बटे कितना होगा, 1+k cos²x dx, 2i एज इट इज 0 to। अब आपने क्या किया, दोनों ऐड कर दिए, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड बन चुकी थी। तो पाई यहाँ पर बचा क्या आपके पास, x + π - x sin x तो कॉमन ले लिया था आपने, यहाँ पर dx भी बच जाएगा, और ये एज इट इज आपका बचा 1+k cos²x, xx कैंसिल हो जाएगा। जब xx कैंसिल हो जाएगा तो बस आपको करना क्या है, अब ये आपका वही पहले वाला क्वेश्चन बनने जा रहा है, यानी यहाँ पर 2y है बचा हुआ, यहाँ पर पाई बचा (0 to π), और यहाँ पर बचा है sin x dx, अब पुनः बचा हुआ 1+k cos²x। अब लेट कर लोगे आप यहाँ पर, लेट क्या करोगे, लेट करोगे cos x = t, कोस का क्या हो जाएगा, कोस का हो जाएगा sin(dx) = और ये माइनस में dt। लिमिट चेंज करना चाहो तो लिमिट चेंज कर दो, यहाँ 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना।
तो लिमिट भी बस चेंज कर दो साथ में ही। जैसे ही आप लिमिट चेंज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस के पाई इंटीग्रेशन 0 to -1 और dt बटे और ये बचा आपका, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे ना यहाँ पे एक होगा क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है 1। तो चाहे आप लिमिट चेंज करना चाहो कर दो, अदरवाइज नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 + t² ठीक है ना। तबीयत दोस्तों बिल्कुल भी ठीक नहीं है फिर भी, लेकिन आपके लिए हम अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा चेंज करना चाहो तो एक प्रॉपर्टी और है, 0 से 1 लिख लिया आपने, यहाँ पर dt/1 + t² हुआ। पांचवी प्रॉपर्टी अगर आपने देखी हो तो वो देख लीजिए, 5, ठीक है ना। इसके बाद ये टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन बना, 2 से तो 2 भी कैंसिल कर दीजिए, पाई तो एज इट इज है ही, इसे क्या लिख दोगे आप, टेन इनवर्स टी और लिमिट आपके पास 0 to 1 है। जैसे ही 0 to 1 रखोगे लिमिट पुट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा i = 2π। पहले लिमिट पुट कर दोगे तो 10 inverse 1 और माइनस के 10 inverse 0, 10 inverse 1 को π/2 लिख दोगे आप, π/4 सॉरी, ठीक है ना। इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया आपने और यहाँ पर मिला π² / 2। तो पूरा इंटीग्रेशन आपको मिला π² / 2। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ। तो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे दोस्तों, लेकिन ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाए दोस्तों। आज 2 क्वेश्चन ही हमने लिए, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये 2 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे अच्छे से। तो जाहिर सी बात है हमारी इतनी पूरी तरह से कोशिश रहती है कि दोस्तों जितना हो सके आपको पूरी तरह बात समझाई जा सके। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं संजीव तोमर एक बार फिर विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।